नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। सबसे पहले हेडलाइंस। एल्गार परिषद मामले में सुधा भारद्वाज को जमानत। सरकार ने फिर कहा नहीं है आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों का आंकड़ा। अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते हमलों के विरोध में सीपीएम का प्रदर्शन। और नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश के एयरपोर्ट्स पर सतर्कता बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में वकील सुधा भारद्वाज को बुधवार को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ निश्चित अवधि में आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ, इसलिए वह जमानत की हकदार हैं। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जामदार की पीठ ने इसके साथ ही निर्देश दिया है कि भारद्वाज को एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाए, जो उनकी जमानत की शर्तें तय करेगी और मुंबई के भाईकुला महिला कारागार से रिहाई की प्रक्रिया पर मोहर लगाएगी। भारद्वाज वर्ष 2018 में गिरफ्तारी के बाद से विचाराधीन कैदी के तौर पर कारागार में बंद हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने सह आरोपी सुधीर धवले और 7 अन्य आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। इन अर्जियों में भी इसी आधार पर जमानत दिए जाने का अनुरोध किया गया था कि उनके खिलाफ निश्चित अवधि में आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ। अब बात किसानों की। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के पास किसान आंदोलन के दौरान जान गंवा चुके किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए उनके परिवारों को मुआवजा देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियां सरकार का विरोध करते हुए मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रही हैं। मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि उन किसानों की सूची तैयार करके उनके परिवारों को 5-5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, और जो आज भी किसान मांग उठा रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की और जो उनकी बाकी मांगे हैं उनको भी पूरे कर जो हमारा किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, उससे पूरी तरह इस सरकार को न्याय करना चाहिए। मगर सरकार ने फिर कह दिया कि उन्हें नहीं पता कि कौन मरा। किसान आंदोलन में एक साल के दौरान 700 से ज्यादा किसानों ने जान गंवाई है। कोई बीमारी से मरा तो किसी ने मायूस होकर खुदकुशी कर ली। सवाल उठता है कि क्या दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत की सरकार के पास ऐसा कोई तरीका मौजूद नहीं जो इन 700 किसानों के नाम जान सके, उनके परिवारों के नाम इकट्ठा कर सके। सरकार ने यही कहा था कोविड-19 के दूसरी लहर के दौरान, जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से हजारों लोग मारे गए थे। मगर संसद में सरकार ने कह दिया कि उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग मरे। सरकार की आलोचना इस वजह से भी हो रही है कि कृषि कानूनों को बिना बहस के वापस ले लिया गया। न किसानों का पक्ष जानने की कोशिश की गई, न उनसे बातचीत हुई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार के पास आंकड़े कैसे नहीं हैं। यह उन 700 से ज्यादा किसानों का अपमान है जिनकी जान इस आंदोलन के दौरान गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। इसके विरोध में आज 1 दिसंबर को वाम नेता सड़क पर उतरे। राजधानी दिल्ली में संसद के करीब संसद मार्ग पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम ने पूरे देश में और खासकर राजधानी के आसपास के इलाकों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते सांप्रदायिक हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात, प्रकाश करात, हन्नान मोल्ला और दिल्ली राज्य कमेटी के नेताओं ने संबोधित किया। देखिए हमारे संवाददाता मुकुंद की है ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार आदाब, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद है जंतर मंतर पे, जहाँ पे भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जिस तरह से देश भर में अल्पसंख्यक समाज के प्रति हमले हो रहे हैं और उनके 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 खिलाफ लगातार एक दुष्प्रचार और उनके खिलाफ एक तरह का वैमनस्य फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। और इस प्रदर्शन में कई उनके केंद्रीय नेतृत्व के लोग शामिल हुए और दिल्ली पार्टी से जुड़े जो तमाम उनके कार्यकर्ता और कुछ आम जनमानस भी इसमें शामिल हुए। इनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं ये हमले किस प्रकार के हैं और इसके पीछे की राजनीति क्या है और इनका आगे का रास्ता क्या होगा, जिसके और सरकार से लोग क्या मांग करने यहाँ पे आए हैं। आज का प्रदर्शन इसलिए है कि आप तो देख रहे हैं हिंदुस्तान में जब से मोदी की सरकार आई है किस तरह माइनॉरिटीज़ पे
मतलब खास करके मुसलमानों और काफ़ी हद तक क्रिश्चियंस पर हमले हो रहे हैं। आप अखलाक से लगा लें तो आज तक हर बहाने से, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी कन्वर्जन के नाम पे, कभी गाय खाने के नाम पे, कभी गाय की तस्करी के नाम पे, कभी मस्जिदों पे हमले, कभी अभी त्रिपुरा में हुआ, अभी कुछ लड़कों को टेररिस्ट के नाम पे एक ही जगह पे 7 लड़कों को गोली लगी, उनको सलाम करना पड़ेगा उन लड़कों को कि उन्होंने भागने से मना कर दिया, हिम्मत है उनकी, मानना पड़ेगा। तो इस तरह से हमले हो रहे हैं, ईसाइयों के भी गिरजाघरों पे हमले हो रहे हैं, तो कब तक बर्दाश्त करें? और एक तो इसकी दो वजह हैं, एक वजह तो है कि उनकी आइडियोलॉजी है कि आपकी ये पुण्य भूमि नहीं है इसलिए आप पराए हैं, और वही नफरत जो यहूदियों के लिए हिटलर की थी उसी तरीके से ये मुसलमानों पे और कुछ हद तक ईसाइयों, काफ़ी हद तक ईसाइयों पे यूं हमले कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, ये इन्होंने देश के संविधान को, यहाँ तक कि देश के झंडे तक को तो माना नहीं था, अब वो संविधान को बातिल नहीं कर रहे लेकिन उसको बजा रखते हुए भी वो संविधान को पूरे तौर पे उलट रहे हैं। तो और सेक्युलरिज्म, सबकी बराबरी हमारे देश में, बराबर के हक, ठीक है, वो हमें हमारा संविधान भी देता है। एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान ना बराबर नहीं है, लेकिन अगर हमारी सरकार उन लोगों को संरक्षण दे या उस तरह के कानून लाए, जैसे कन्वर्जन वाला कानून है, जैसे CAA है, इस तरह के कानून लाए, तो आप बराबरी के हक को तोड़ रहे हैं। इसका मतलब आप संविधान ही को खत्म करने की राह पर गामजन हैं। और अंत में बात कोरोना की। देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ रही है। इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले हर यात्री के लिए कोविड टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को 2 विकल्प दिए जा रहे हैं, रैपिड PCR टेस्ट या नॉर्मल RT-PCR टेस्ट। रैपिड टेस्ट के लिए 3,900 रुपये और RT-PCR के लिए 500 रुपये लिए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट 1-2 घंटे में आ जाती है, जबकि RT-PCR के लिए 5-6 घंटे इंतजार करना पड़ता है। वहीं मुंबई में रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन के नियम कड़े कर दिए गए हैं। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को 7 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा, जिसके दौरान 3 बार कोविड का टेस्ट होगा। तीनों रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी 7 दिन का होम क्वारंटीन जरूरी कर दिया गया है। वहीं चेन्नई में भी टेस्टिंग जरूरी कर दी गई है। यहां रैपिड टेस्ट की कीमत 4,000 और RT-PCR की कीमत 900 रुपये है। बता दें कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत सहित पूरी दुनिया में दहशत फैल गई थी, जिसकी वजह से इस नए वेरियंट को तीसरी लहर बनने से रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। हमारी साइट पर विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। धन्यवाद।